खाने की खिदमत करने वाले का जवाब है। और किसी ने कहा था कि वफादारी बशर्ते सवारी असल ईमान है। सैयद मकसूद शाह, अल्लाह तेरे दराजात बुलंद करे, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन और मुनव्वर रखे। मैंने देखा तू दरबारे वादी अजीज का आशिक था, मैंने देखा तू अपने पीर महबूब इलाही का वफादार था। मैं गवाही देता हूँ कि तू अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे चलने वाला था। तेरी दरवेशी, तेरी सादगी, तेरा फकर, तेरी कलंदरी, तेरा अल्लाह आज तुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं चूरा शरीफ से आया हूँ, मैं तेरी दुआ करने के लिए आया हूँ। मैं कहता हूँ मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुझसे प्यार है, मुझे तुझसे चाहत है, मुझे 32 चक वाले चाहों से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि ये मेरे यार, मेरे भाई महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं। याद रखो, जफाए वाले इज्जतों से रहते हैं, जफाए वालों के जनाजे भी इज्जतों से उठते हैं। देखो किसी के जिसे डर है जो पाके कसम रखनी करे रहते। हम सब निस्बतों वाले हैं, हम सब ताल्लुक वाले हैं, हम सब अहले अकीदत को मोहब्बत है। अगर इज्जत, मर्तबा, शौकत, सदरत, चाहत चाहते हो तो फिर बादशाह के नाम मीरा दे और देख दीवे बल्ले सदा मीरा दे। मुस्तफा की फकीरी करके देखो, तेरे रब की बंदगी प्यार करके देखो, क्योंकि तो इज्जत और शान के साथ और जनाजा भी और साथ। अल्लाह करीम शाह साहब के दर्जात बुलंद करे और इनकी कब्रों हशर की मंजिले आसान करे और इनके मासूम बच्चे। हाँ, मेरा रब कहता है कि यतीम पर आए रात मेरी पनाह में आता है। इस नन्हे मुन्ने सैयद दादे के हस्त देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरा बाप दुनिया से चले गया, लेकिन जिस लजपाल के तुम पूरी हो रहा वो तो तुम्हें बाप से बढ़ के मोहब्बत देगा। ये महबूब इलाही बड़ा लजपाल पीर है। मैं इनके पीर खाने से हूँ, मैं गवाही देता हूँ। ये कल तक निभाने वाला पीर है। न तुम्हें दुनिया की कोई कमी रहेगी, न तुम्हें रूहानियत की कोई कमी रहेगी। तुम्हारे मेरे बच्चे, मेरे हजूर फरमाते हैं यतीम की कफालत करने वाला और मैं कब्र में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां। मेरा अल्लाह फरमाता है यतीम बराए रास मेरी पनाह में आता है। एक बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम था, लेकिन अल्लाह से मेरे साया आ गया। मेरा अल्लाह मुझे अपना साया नसीब करे। अल्लाह इस घराने को ये तो फुर्सत मसह लेने की हिम्मत अता फरमाए। कमाल इनाम इल्ला अल बला।